मिली ऐतिहासिक जीत के बाद छत्तीसगढ़ में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा है कि ये जीत दरअसल मोदी नाम की सुनामी है। देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना समर्थन देते हुए राष्ट्र विरोधी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। कौशिक ने कहा है कि प्रधानमंत्री को गाली देने वालों को जनता ने वोट न देकर सबक सिखाया है। धरमलाल कौशिक से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता आशीष तिवारी ने। मोदी मैजिक चला और खुद बीजेपी 300 के आंकड़े को छूने के करीब जा पहुंची है और एनडीए की बात करें तो 350 से ज्यादा सीटें एनडीए के खाते में आ रही है। इस वक्त हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक मौजूद है। किस तरीके से नतीजे को क्या कहा जाए? इस नतीजे को यदि कहें तो सुनामी कह सकते हैं, मोदी एक बार फिर मोदी सरकार कह सकते हैं, मोदी है तो मुमकिन है ये कह सकते हैं, देश का यदि जनता का विश्वास है तो मोदी है ये कह सकते हैं, यदि देश में कोई आस्था है तो मोदी जी के प्रति है ये कह सकते हैं, और यदि देश को विकास के बुनियाद पर ले जा करके जिस पैमाने पर उन्होंने खड़ा किया है यदि उसमें खड़ा उतरे हैं विश्वास किए हैं तो देश की जनता ने मोदी जी के ऊपर विश्वास किया है ये कह सकते हैं। और तमाम जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनके हर्ष को क्या कहेंगे? देखिए, आप झूठ बोल करके राजनीति में सफलता अर्जित नहीं कर सकते। आप नकारात्मक राजनीति के माध्यम से सच्चाई को नहीं दबा सकते। आप यदि गाली देकर के चुनाव जीतना चाहेंगे तो आप नहीं जीत सकते। छत्तीसगढ़ में बीजेपी उसी आंकड़े को दोहराने जा रही है तो 2004, 2009, 2014 में दोहराया था बीजेपी ने, लेकिन परिप्रेक्ष्य दूसरा है। पहले बीजेपी की सरकार का भी थी और इस बार कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में है। मैंने यही कहा कि झूठ बोल करके, लुभावने वादे करके, नारे दे करके आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं लेकिन स्थायी सफलता आपको नहीं मिलेगी। विपक्षी दल अब एग्जिट पोल पर भी सवाल उठा रहा है और साथ ही साथ ईवीएम को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं, चुनाव आयोग के भी बोल दीजिए, चुनाव आयोग पर तो शुरू से टारगेट पर है। देखिए, एक्चुअल में जनता का मैंने कहा कि उनके ऊपर विश्वास नहीं है। जिस प्रकार से आपने काम किया है, प्रधानमंत्री को आपने गाली दिया, जब 3 प्रदेश जीते तो ईवीएम के बारे में बात नहीं आई, जब प्रदेश जीते उस समय कहा कि बीजेपी नहीं आ रही है तब आपने एग्जिट पोल के बारे में प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया, आप किसके किसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे? आप चुनाव आयोग के ऊपर में करेंगे जो स्वयंसेवी संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है, ऐसे संस्था के ऊपर आप उंगली उठाएंगे? आप युवा मशीन के ऊपर उठाएंगे? आपके उंगली उठाने से इस देश की जनता ने आपके ऊपर उंगली उठाया। एक आखिरी सवाल है कि अब जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा नरेंद्र मोदी की नई सरकार में, दूसरी सरकार में, तो क्या उम्मीद होगी छत्तीसगढ़ की, क्योंकि छत्तीसगढ़ लगभग इतिहास को दोहराकर 10 सीटें लगभग देने जा रहा है। छत्तीसगढ़ को कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने इग्नोर नहीं किया है, हमेशा यहाँ का प्रतिनिधित्व दिया है और हमें पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी के ऊपर छत्तीसगढ़ का सम्मान पुनः प्राप्त होगा। ठीक है, ये है नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी में जश्न का दौर शुरू है, मिठाई खिलाकर यहाँ पर बधाई दे रहे हैं, जश्न लगातार चलता जा रहा है। जैसे जैसे रुझान सामने आते जा रहे हैं वैसे वैसे बीजेपी में खुशी और लहर भी देखने को मिल रही है और नतीजों को लेकर बीजेपी के तमाम वरिष्ठ कह रहे हैं कि लोगों को भरोसा एक बार फिर नरेंद्र मोदी सरकार पर है और जिस तरीके से झूठ बोलकर प्रचारित करने की कोशिश की गई, नरेंद्र मोदी को गाली बकने की विपक्षी कोशिश की गई, इस पर देश की जनता ने जवाब दे दिया है। कैमरामैन श्याम के साथ आशीष तिवारी, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।